जी वेलकम बैक फ्रेंड, दिस इज़ मी सादिक हुसैन एंड यू आर वॉचिंग बायोलॉजिज्म एंड हेयर आई एम विद द सोल्यूशन ऑफ टेस्ट नंबर 3, सॉरी टेस्ट नंबर 10, जो कि फिशेज में से लिया गया था. ये टेस्ट 2 दिन पहले हुआ था. आई एम रियली सॉरी कि मैं उसकी वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर सका. आई वॉज बिजी ड्यू टू विच देर वॉज अ बिट लेट इन दिस टेस्ट सोल्यूशन. सो हेयर आई एम विद द सोल्यूशन. सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से. बट इससे पहले, अगर आप लोगों ने बायोलॉजिज्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें. और एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि आप लोग शायद हो सकता है हमारी सिर्फ यही वीडियोज़ देख रहे हों, इसके अलावा जो प्लेलिस्ट मौजूद हैं बायोलॉजी के हवाले से या जूलॉजी के हवाले से, उनको भी देखिएगा. उनके अंदर भी आपको MCQs जो है वो मिल जाएंगे, तो उनके वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा. सो स्टार्ट करते हैं जी अपने पहले MCQs के साथ. द मेजर ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन इन फिशेज इज़. ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन ऐसा ऑर्गन है जो कि फिशेज के अंदर वाटर की रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो दैट इज़ किडनी. ऑप्शन बी जो है इसका ठीक था. किडनी जो है उसको ऑस्मोरेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. दूसरे MCQs की तरफ आते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन था, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैड डॉटर. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 जो है वो बेटियाँ थी. सो ऑप्शन 4 जो है वो सॉरी ऑप्शन बी जो है 4 जहाँ पे लिखा था वो करेक्ट था. और ये इस्लामिक स्टडी में से ही MCQs लिया गया था. नेक्स्ट हम जाते हैं जी. इलास्मोब्रैंकस रिमूव सोडियम क्लोराइड थ्रू. इलास्मोब्रैंकस बेसिकली एक फिशेस की टाइप है जिनके अंदर सोडियम क्लोराइड साल्ट की फॉर्म में एक्सेस में मौजूद होता है. तो वो उनके अंदर रेक्टल ग्लैंड मौजूद होता है. इस ग्लैंड के थ्रू वो जो एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड है उसको रिमूव करती हैं. सो ऑप्शन डी ठीक था. मूविंग अहेड, नेक्स्ट हमारे पास एक MCQs है जी, जिस MCQs में हमसे ये पूछा गया है कि रेड फिशेज आर, जो कैमेरॉस फिशेज हैं उन फिशेज को रेड फिशेज भी कहा जाता है. सो ऑप्शन डी ठीक है. मूविंग अहेड, नेक्स्ट आपके पास है द एक्सटिंक्ट बॉडी फिशेज आर, कि ऐसी फिशेज कौन सी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. सो ऑप्शन ए कॉन्ड्रिक्थाइस, बी ऑस्टिक्थाइस, प्लैकोडर्म्स आर एकैंथोडियंस. तो एकैंथोडियन वो फिशेज हैं जो कि एक्सटिंक्ट बॉडी फिशेज हैं, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. तो ऑप्शन डी एकैंथोडियन. नेक्स्ट हम जाते हैं जी. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, विच फिश ऑफ द फॉलोइंग एस्टिवेट, कि कौन सी फिशेज जो हैं वो एस्टिवेट करती हैं. एस्टिवेट बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर फिशेज जो है वो पानी के नीचे बहुत ज़्यादा देर तक रहती हैं. तो लेपिडोसायरियन ऐसी फिशेज हैं, लेपिडोसायरियन जो कि पानी के अंदर एस्टिवेट करती हैं. एस्टिवेट का प्रोसेस जो है वो इनके अंदर पाया जाता है. नंबर ऑफ चैम्बर्स के लिए पूछा गया था कि फिशेज के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं. तो 4 होते हैं, 2 आर्ट्रीम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं. सो 4 इसका आंसर था. नेक्स्ट है जी, बोनी आर्मर फिशेज आर. बोनी आर्मर बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो कि हार्ड किस्म का स्ट्रक्चर है जो कि फिशेज की बॉडी के अंदर पाया जाता है. तो ऑस्ट्रैकोडर्म एक ऐसी फिश है जिसके अंदर बोनी आर्मर जो है वो बोनी आर्म्स जो है वो मौजूद होती हैं. सो ऑप्शन बी ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं जी, सम इलास्मोब्रैंकस हैव मॉडिफाइड पेल्विक फिन फॉर कपुलेशन इज कॉल्ड. अच्छा, इलास्मोब्रैंकस जैसे कि हमने ऊपर भी बात की, ऐसी फिशेज है जिनके अंदर पेल्विक फिन जो है वो कपुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है. और इसको नाम दिया जाता है सेक्सुअल ऑर्गन है जिसको क्लैस्पर कहते हैं. सो ऑप्शन सी ठीक है. पीनस हायर मैमल के अंदर होता है, क्लोका जो है वो फ्रॉग के अंदर मौजूद होते हैं, एम्फीबियन के अंदर, और क्लैस्पर जो है वो क्या होता है, फिशेज के अंदर मौजूद होता है. द फिश लिव इन स्टैगनेंट वाटर. जैसा कि आपको पता है स्टैगनेंट वाटर जो है वो खड़े हुए पानी में बहते हैं, तो वहाँ पे जो भी फिश रहती है उसे नियोक्रेटोडस कहा जाता है. सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर. मूविंग अहेड, पीस बी अपॉन हिम हैड सन्स. तो आपके 4 जो है सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गलत लगा हुआ है, 3 जो है वो आपके बेटे थे और 4 बेसिकली बेटियाँ थी. सो ऑप्शन ये ऊपर ऑप्शन है, यहाँ पे ये गलत लगा हुआ है. सो 3 जो है वो आपके क्या बेसिकली बेटे थे. नेक्स्ट, सकिंग माउथ एंड रेस्पिंग टोंग इज़ प्रेजेंट इन. ये सकिंग माउथ और रेस्पिंग टोंग जो है ये लैम्प्रे जो फिशेज हैं उनकी कैपेबिलिटी है कि वो क्या करती हैं, इससे अपने प्रे को कैप्चर करती हैं. सो ऑप्शन सी जो है दैट इज़ अ करेक्ट. नेक्स्ट है जी, द नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन गनेथोस्टोम आर. अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये उनकी बॉडी के अंदर बेसिकली रेगुलेशन ऑफ वाटर के अंदर जो है वो हेल्प करती हैं फिशेज को. तो ये गनेथोस्टोम के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है वो मौजूद होती हैं. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट.
आगे हम चलते हैं जी. प्लेकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन. प्लेकॉइड बेसिकली स्केल्स हैं जो कि डार्सल टू द बॉडी पर मौजूद होते हैं शार्क्स के अंदर. सो ऑप्शन सी जो है ये आपके पास क्या है, करेक्ट है. शार्क्स के अंदर प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद होते हैं. मूविंग अहेड देन फर्स्ट रिमेन बरीड इन मर्ड एंड सैंड इज के ऐसी फिश को आपको बताना है जो कि मर्ड और सैंड के अंदर जो है वो बरीड भी कुछ कुछ टाइम के लिए जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो उनको हम हैग फिशेस कहते हैं. ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है. नेक्स्ट जी, अडाप्टिव रेडिएशन इन फिशेज स्टार्टेड अबाउट मिलियन ईयर्स अगो. अडाप्टिव रेडिएशन इन फिशेज का मतलब यह है कि फिशेज ने जो है वो इवॉल्व करना कब से शुरू किया था, तो 500 मिलियन ईयर अगो जो है वो आपके पास फिशेज की एवोल्यूशन है. तो 500 याद रखिएगा जी. आगे चलते हैं जी. विच फिशेज इज इंपॉर्टेंट फॉर कैवियर. कौन सी फिश जो है वो कैवियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो कैवियर जो है ये क्या प्रोसेस है, इसको आपने सर्च आउट करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है. बाय द वे यहाँ पे जो फिशेस की ये दिए गए हैं क्या कहते हैं जेनरा, इनमें से स्टरकॉन ऐसी फिशेस हैं जो कि कैवियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं. द लार्वा ऑफ लैम्प्रे इज एमेनोसीट लार्वा कहते हैं जी. ऑप्शन सी ठीक है. मिलन एंड हार्ले के अंदर ये एमसीक्यूज क्लियरली मौजूद है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज अ वीवी पैरस. कौन सी फिशेज जो हैं वो वीवी पैरस हैं. ओवी पैरस, वीवी पैरस और ओवी वीवी पैरस, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि आगे जो आने वाले हमारी क्लासेस के टेस्ट हैं, एमसीक्यूज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे. तो वीवी पैरस फिशेज जो हैं वो शार्क्स हैं. तो ऑप्शन सी ठीक है. नेक्स्ट है जी, द लॉन्ग रोस्ट्रम इज़ फाउंड इन. रोस्ट्रम जो है बेसिकली ये इनकी डिफेंस के लिए मौजूद होता है पैडल फिशेस के अंदर. सो ऑप्शन ए जो है ये ठीक है, इसके अंदर रोस्ट्रम जो है वो मौजूद होता है. नेक्स्ट है जी, इन बिगनिंग प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वर्क एट शेफर्ड फॉर बनू साद के लिए आप सल्लम ने शुरू में एज ए शेफर्ड जो है बकरियों का चराहवा के तौर पर भी काम किया है. सो ऑप्शन बी ठीक है. देन है जी, द आर्म फिशेज आर. आर्म फिशेज पहले भी हम बात कर चुके हैं कि आर्म फिशेज जो है वो ऐसी फिशेज को कहते हैं जिनके अंदर बेसिकली बोनी आर्म मौजूद होते हैं. सो ऑप्शन सी ठीक है. प्लैकोडर्म्स के अंदर मौजूद होते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास एक अगला क्वेश्चन है कि पीपीएससी अबानहिम हाशमी ख़ानदान से जो है वो ताल्लक़ रखते थे. आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और आपके दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था. लाजमी याद रखिएगा. द लंग फिशेज फाउंड इन ट्रॉपिकल अफ्रीका. तो प्रोटोप्टेरस अफ्रीका के अंदर ऐसी फिश है जो कि अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं जिनमें लेक विक्टोरिया, ड्रैड नील है, मिस्र के अंदर जो बहुत ज़्यादा ये प्रोटोप्टेरस की क्या कहते हैं, और उसके साथ साथ सूडान के अंदर जो है इस फिश की बहुत ज़्यादा जो है वो फैमिली पाई जाती है. एंड देन लास्ट इज़ कार्टिलेजियस फिशेज आर, जिनके अंदर कार्टिलेजियस मौजूद होते हैं. कार्टिलेज मौजूद होता है तो उनको आप कॉन्ड्रिक्थाइज फिशेज जो है वो कहते हैं. तो ये था फिशेस के एमसीक्यूज, एम्फीबियन के एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं. और इस तरह इंशाल्लाह हम अपने इस सेशन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे. तो आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी. और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर टेस्ट के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपको जो है उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बहुत जल्द मुलाकात होगी. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.